दो शब्द से बना है, नालम जो था, नालम मतलब ज्ञान या गमन और दा मतलब दान। प्राचीन समय में जो पूरे वर्ल्ड को ज्ञान का दान देता था वह जगत की नालम। प्राचीन समय में हमारा देश विश्व का गुरु था और पूरे वर्ल्ड में तीन यूनिवर्सिटी बने, तीनों भारतवर्ष में। विश्व का सबसे पहला शिक्षा केंद्र रहा था तक्षशिला, जो पाकिस्तान में चला गया। तो तक्षशिला में कंडीशनल था, उसमें केवल राजा का बेटा पढ़ सकते थे। हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं, जैसे वहाँ पे कुछ गरीब बच्चे भी पढ़े, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, चरक, धनवंतरी, जीवक कुमार बिर और पतंजलि, ये सब तक्षशिला में पढ़े। तो तक्षशिला पर जो है उसकी स्थापना 700 BC में हुई, इसी समय रहे ना आप लोग। और उस पर उन लोगों का अटैक हुआ 34 AD में आता है, तो 4वीं और 5वीं AD में अटैक हुआ और वो नष्ट हो जाता है तक्षशिला। तब बनी नालंदा 413 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, तब यह दुनिया की पहली विश्वविद्यालय हुई जहाँ खाना पीना रहना पढ़ना सब सुविधा, विदाउट जो है कोई भेदभाव नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बशर्ते कि बच्चे इंटेलिजेंट होने चाहिए। तीसरा यूनिवर्सिटी बना विक्रमशिला, जो बिहार में ही है, भागलपुर में उसके अवशेष हैं। विक्रमशिला की स्थापना 800 ईस्वी में मगध के राजा धर्मपाल के द्वारा हुआ था। वह छोटा लेवल का यूनिवर्सिटी, बहुत धर्म के ही बच्चे पढ़ते थे, 1000 स्टूडेंट और 100 टीचर। नालंदा में पढ़ने चीन के 2 विद्वान आए, आप लोग नाम याद करते हो, इंसांग और ये तसीम, जबकि सबसे पहले भारत घूमने के लिए आए थे फाहियान 1699 ईस्वी में, भारत के राजा चंद्रगुप्त जिनको हम लोग प्रतिमादित करते हैं। उस समय यूनिवर्सिटी बना हुआ नहीं था, तो फाहियान कहने का मूल उद्देश्य था भारत में 629 में आए और 643 में गए, 14 वर्ष वो इंडिया में रहे, जिसमें 6 वर्ष इस विश्वविद्यालय में उन्होंने डायरी लिखी। CUT में नालंदा के बारे में वर्णन मिलता है, उसमें लिखा है CUT में कि कुमारगुप्त प्रथम ने जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो यह 7 माइल लंबी थी और 3 माइल चौड़ी थी, मतलब आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लगभग 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी इसकी बाउंड्री थी। इस विश्वविद्यालय को विभिन्न राजाओं ने 200 गांव का जमीन दान दे दिया था, जिसके इनकम से विश्वविद्यालय के दैनिक खर्चों की आपूर्ति होती थी, खाना पीना रहना पढ़ना सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता था, जिसके चलते आपके यहाँ पूरे वर्ल्ड से बच्चे पढ़ने आते थे, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, हांगकांग, वियतनाम, नेपाल, भूटान, लंका, तिब्बत, ताइवान, पूरे वर्ल्ड से। और आप इतिहास उठा के देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय के सिवा और कोई यूनिवर्सिटी उस समय तक इस लेवल का पूरे वर्ल्ड में था ही नहीं, इसलिए बच्चे कठिन यात्रा करके आते थे, एडमिशन हो जाने के बाद वो निश्चिंत पूर्वक पढ़ते थे, क्योंकि खाना पीना वस्त्र सारे जो है खर्चा जो पढ़ने का होता था ये यूनिवर्सिटी मेंटेनेंस करती थी। इस तरह से जब कठिन यात्रा करके आते थे तो उनका एडमिशन टेस्ट होता था कॉमन टेस्ट, 4 दरवाजा था जिस पर गेट कीपर जो काफ़ी स्कॉलर होते थे उनको स्कॉलर ऑफ गेट द्वार पंडित कहा जाता था। 10% ही लोग उस टेस्ट में पास होते थे और 90%